अनिल जी, हमने अभी अजमेर पे बात की और अब बात करते हैं चित्तौड़गढ़ की। चित्तौड़गढ़ में भी आमने सामने की टक्कर है जी। ये बड़ी अजीब बात है कि जो व्यक्ति राजसमंद से सांसद था जी, इससे पहले जी, पिछली बार तो 25 सीटें बीजेपी को मिली थी जी, उससे पहले राजसमंद सांसद थे गोपाल सिंह 2009 में जी। हाँ, वो चित्तौड़ से आके चुनाव लड़ रहे हैं जी। वो क्यों लड़ रहे हैं इसको समझना जरूरी है कि चित्तौड़गढ़ में काफी बार राजपूत चुने जाते रहे। महाराणा प्रताप की धरती मानते मेवाड़ जी, तो निर्मला कुमारी शक्तावत दो बार वहां से एमपी रही, बड़ा नाम था उनका। महाराणा महेंद्र सिंह मेवाड़ भी शायद वहां से एमपी रहे जी। और जसवंत सिंह बीजेपी से जाके एमपी बने वहां दो बार जी। जसवंत सिंह जसोल जैसलमेर से गए वहां एमपी बने। तो ऐसा माना जाता है कि वहां पर राजपूत एकजुट आसानी से हो जाते हैं। वो देश के इतिहास की सबसे बड़ी शौर्य गाथा रखने वाला अंचल है मेवाड़। महाराणा प्रताप की धरती कहते हैं उसको, राजसमंद, हल्दी घाटी, ये वो सारा। तो वहां पर यही समझ के, क्योंकि वर्तमान सांसद सीपी जोशी ब्राह्मण है जी, और पिछली बार अच्छे वोटों से जीते थे, काम भी उन्होंने किया है, लोगों से जुड़ाव भी रखा है उन्होंने, लेकिन वो एक जातीय पोलराइजेशन वहां हो जाए इस उम्मीद में गोपाल सिंह इडवा को कांग्रेस ने वहां भेजा। अब अगर वाकई जाति पोलराइजेशन हो गया तो गोपाल सिंह इडवा वहां पर चुनौती पेश कर सकेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जाति पोलराइजेशन नहीं हुआ तो वहां पर इस वक्त उदयलाल अंजना और विधुड़ी बेगू से यही सांसद हैं कांग्रेस के, विधायक हैं जी। तो अभी शहर की सीट पर चंद्रमान सिंह आख्या, अब वो जीते बीजेपी से हैं पर हैं बिल्कुल राजपूतवादी व्यक्ति, तो वो बीजेपी का साथ देंगे या अपने कौम का साथ देंगे, ये एक सवाल निशान है वहाँ की राजनीति में अभी जी। तो अभी ये कह नहीं सकते, लेकिन बाहर के मतलब पड़ोस की सीट से आए हैं वो गोपाल सिंह इडवा, उन्होंने चुनाव खड़ा करने की कोशिश की है, कितने वो सफल हो पाए अभी कह नहीं सकते जी। लेकिन वो बीजेपी डोमिनेंट सीट है ऐसा मेरा मानना है, तो उसमें कांग्रेस को चुनौती पेश कर पाना, कांग्रेस को बीजेपी को टक्कर दे पाना बहुत मुश्किल है। और अभी उदयलाल आंजना वहाँ से जीते हुए हैं और उदयलाल आंजना मंत्री भी हैं राजस्थान सरकार में, निम्बाड़ा में उन्होंने सीचन कृपलानी को हराया था जो उस वक्त मंत्री थे जी। तो सीचन कृपलानी भी दो बार सांसद रहे हुए हैं वहाँ से जी। और उदयलाल आंजना भी सांसद रहे हुए हैं, तो दोनों तरफ ऐसे लोग हैं जिनको सांसद रहने का अनुभव है वहाँ से चुनाव लड़ाने वाले। तो इसलिए अब ये देखना पड़ेगा कि देशभक्ति की बात जिस जमीन पर सबसे ज्यादा होती है राजस्थान में, उस जमीन पर राजपूतों की आन बान शान निकल के बाहर आएगी जी। या मोदी की देशभक्ति का नारा लोगों को प्रभावित करेगा जी। ये आने वाले समय में देखने की बात होगी, अभी हम नहीं कह सकते, लेकिन कांग्रेस के लिए आसान नहीं है बीजेपी को कड़ी टक्कर देना चित्तौड़गढ़ में। अनिल जी, राष्ट्रवाद जातिवाद, क्या ये दो ही चीजें हैं जो मुद्दे हैं वो इस चुनाव से कहां गायब हो गए? देखिए, अब वो 15 लाख का मुद्दा, अच्छे दिन की बात, या विदेशों से काला धन लाने की बात, 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देने की बात, जो भी करता है वो अब देशभक्त नहीं है। तो इसलिए अब बात तो देशभक्ति की हो रही है, सर्जिकल स्ट्राइक की हो रही है, और कांग्रेस ने एक बार फिर ये मुद्दा बनाने की कोशिश की है रोजगार को, न्यूनतम आय को, न्याय जो उनका नारा है एक तरह से, उसको सामने रखने की कोशिश की है। लेकिन वो कोशिश कितनी सफल हो पाएगी, क्या बेरोजगारों को भी बेरोजगारी का मुद्दा अपील कर रहा है? हम जगह जगह घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो जो सूचना प्रसारण के माध्यम है और मोदी 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 इतना कर दिया गया चारों तरफ, ये वोकल लोग हैं वो मोदी 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 कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं वो चुप बैठे हुए हैं, उनके मन में मोदी है या नहीं है आप जज नहीं कर सकते इस वक्त। तो सोसाइटी में जो भी आवाजें उठ रही है उसमें ज्यादातर आवाजें मोदी मोदी की उठ रही है, एक बार फिर मोदी सरकार। लेकिन ये भाजपा सरकार एक बार फिर ये बात कोई नहीं कह रहा, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही बात कोई नहीं लड़ रहा, सभी 24 सीटों पर राजस्थान की, 25 नहीं 24 जी, जानबूझ के कह रहा हूं मैं, मुझे पता 25वीं सीट क्योंकि अब आरएलपी के साथ गठबंधन होके लड़ा बीजेपी रही है चुनाव जी। लेकिन वहां पर
मोदी भक्त क्या हनुमान बेनीवाल का साथ देंगे, ये प्रश्न चिन्ह है अभी, ये प्रश्नवाचक चिन्ह अभी है हनुमान बेनीवाल का साथ। अगर वो कमल के चुनाव चिन्ह से लड़े होते तो बात और थी जी, तो उनकी विधायकी जाती तो उसका भी एक रास्ता था कि वो अपनी पार्टी का मर्जर करते बीजेपी में और फिर लड़ते, लेकिन वो मर्जर करते तो बीजेपी के सिंबल पर लड़ते, तो बीजेपी संसद सदस्य बोर्ड के सदस्य होते, मेंबर के उस पार्लियामेंट्री दल के मेंबर होते। लेकिन अब वो आज इंडिपेंडेंट एक ऐसी पार्टी अलग से, वो जीतने के बाद किसी को साथ भी समर्थन दे सकते हैं जी। कह रहे हैं मोदी के साथ जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ, लेकिन इंडिपेंडेंटली हैं वो, एक तरह से अपनी अलग पार्टी ले खड़े हैं जी। तो जीतने के बाद किसी के साथ जा सकते हैं, तो बीजेपी के लोगों के मन में अभी अभी स्पष्टता नहीं है नागौर में, ऐसा मुझे लगता है कि उनको हनुमान बेनीवाल के साथ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, कितना जाना चाहिए, कमल का निशान नहीं है, पार्टी बीजेपी नहीं है, पार्टी भी अलग है, और हनुमान बेनीवाल की जो थोड़ा सा उनकी उग्रता या एक तरह का एग्रेसिवनेस जिसको कहते हैं, आक्रामकता है उनके व्यवहार में जी, उनकी राजनीति में, तो वो आक्रामकता बीजेपी का जो पुराना ट्रेडिशनल परंपरागत मतदाता है, व्यवसायी वर्ग है जी, वो उसको कितना स्वीकार्य है ये प्रश्नवाचक चिन्ह अभी हमारे सामने, हम कह नहीं सकते कि वो पूरा वर्कर बीजेपी का यूं हनुमान बेनीवाल का वर्कर बन जाएगा, इस पर अभी प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये आने वाला समय बताएगा जब वोट पड़ेंगे तब जी। चलिए आज हमने बात करी अजमेर पर और चित्तौड़गढ़ पर, सत्ता संग्राम में आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे जल्द राजस्थान की और लोकसभा सीटों के साथ। नमस्कार।